सो हेलो गाइस, आप लोगों की बहुत सारे की प्रश्न थी कि हमें वो जो 5000 रुपये जमा किए थे क्या वो हमें वापस मिल सकते हैं। तो यस गाइस, आपको ये वापस मिल सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है इस वीडियो में हम बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे क्या आपको ये 5000 रुपये ले लेने चाहिए और वेट करना चाहिए मॉपअप राउंड के लिए, या फिर आपको करना क्या चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। Subscribe to Trickster Vivek and also press the bell icon for future video updates. So hello guys, Vivek Agarwal here. और हम बात करेंगे ये 5000 रुपए वाली कंट्रोवर्सी के लिए। तो चलिए गाइस, पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आप अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो मैं आपको जब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। ये टोटली फ्री है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, पहले जानते हैं ये क्या प्रोसीजर है। तो ये देखिए गाइस, एक आपको पिक्चर दिखता होगा बीच में। यस गाइस, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको बीच में, ये ऐसा कुछ आपको एक राउंड वन के बाद आपने अपग्रेडेशन में जाकर इसे सबमिट किया था। यस गाइस, आपको ये 5000 रुपये सबमिट किए थे आपने जब अपग्रेडेशन में जाकर, तब आपने एक स्लिप दिया था आपको अंदर से फॉर्म, जिसपे आपको लिखना था अपने बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड और आपने दिया था अपने अकाउंट का नंबर और कौन से बैंक में आपका अकाउंट है और ब्रांच नेम। यस गाइस, आपने वहाँ पर जमा किए थे 5000 रुपये जब आप सबमिट कर रहे थे तब। उसी अकाउंट में गाइस आपको 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के अंदर आपके 5000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके खाते में ढुक जाएंगे, अगर आप उस कॉलेज में अपनी सीट अलॉट नहीं करते और एडमिशन नहीं लेते हैं तो। और अगर आप सीट किसी भी कॉलेज में जाकर लेते हैं जहां पर आपकी सीट अलॉट हुई है, तो वहां उस कॉलेज में आपको 5000 रुपये कम देने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेबजी खा लेगा। दिस इज़ द प्रोसेस। तो गाइस, आपको अभी भी समझ में नहीं आता होगा ये कॉन्ट्रोवर्सी क्या है। तो गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। वेबजी एक एग्जामिनेशन है, उसके द्वारा कॉलेज ने अपनी टाई अप करके रखी है। यस गाइस, टाई अप करके रखी है। और अगर एक भी बच्चा वेबजी के द्वारा किसी भी कॉलेज में अपनी सीट अलॉट करता है तो वेबजी उस कॉलेज से उस बच्चे के लिए 5000 रुपये अपने पेट के लिए रख लेता है। यस गाइस, वो अपने पेट के लिए रख लेता है, जिससे कि ये प्रोसेस हर साल चलता रहे। और यही एक तरीका है वेबजी की पैसे कमाने की। तो गाइस, आपको अभी तक समझ आ चुका होगा कि 5000 रुपये आपको कॉलेज में कम देने पड़ेंगे, क्योंकि वेबजी ये नहीं चाहता कि बच्चे को कभी भी 1 रुपये भी ज़्यादा देना पड़े। तो गाइज़, अगर आप वेबजी के द्वारा कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी रैंक कार्ड से आप जाकर भर्ती हो सकते हैं किसी भी कॉलेज में, और उसकी जो 5000 रुपये होगी, जो कॉलेज की फ़ीस की एक्स्ट्रा होगी, वो आपसे ले लेंगे। पर गाइज़, अगर आप सीट अलॉट ऐसे नहीं करते और 5000 रुपये तब आपको वेबजी के द्वारा देने पड़ेंगे, तो 5000 रुपये में वेबजी को दिया, वो वेबजी आपको वापस कर देगा। 20 तारीख से ख़त्म होगी, तो 21 तारीख से 25 तारीख के अंदर आपकी पैसे वापस आ जाएगी। अगर कुछ लेट होता है तो 30 तारीख तक आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सलूशन ऑटोमेटिकली आपको मिल चुका होगा। अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं करवाया था और आपने सिर्फ सीट अलॉट कर ली थी, और तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके पैसे डूब गए। और गाइस, आपको वेरिफिकेशन आपने करवाया था, मेरे ख्याल से आपने वेरिफिकेशन करवाया ही होगा, तो आपने जिस भी अकाउंट का नंबर या आईएफएससी कोड दिया था उस बैंक खाते में ऑटोमेटिकली 21 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मैंने इस चीज़ को 3 बार दोहराया, तो गाइस आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए गाइस, अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपकी कितनी हेल्प कर रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को बजाइए, जिससे कि मैं आपके पास दोबारा आ सकूं कुछ असली इन्फॉर्मेशन लाकर। सो गाइस, बात करते हैं क्या आपको ये 5000 रुपये वापस ले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो गाइस, इसमें मेरा जो सजेशन है, अगर आपको एक मनचाहा कॉलेज या मनचाहा स्ट्रीम नहीं मिल रहा हो तो प्लीज़ आप पैसे वापस ले लीजिए, और नेक्स्ट ईयर नहीं तो ड्रॉप करके दीजिए। अगर आपने कॉन्फिडेंट हैं और आपने कोई कोचिंग ली है तभी ड्रॉप कीजिए। अगर आप ड्रॉप ऐसे ही करना चाहते हैं, घर में बैठ के आराम करके करना चाहते हैं, तो देन आई विल से नो। सो गाइस, कॉलेज पकड़ लीजिए, 1 साल फिर से दीजिए, नहीं निकलता है कोई सरकारी तो फिर उसी में पढ़िए। कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता, क्योंकि एक कॉलेज में एक बाहर की जगह होती है जिसका नाम है ऑफ कैंपस। यस गाइस, ऑफ कैंपस। आप ऑफ कैंपस किसी भी कॉलेज में जाकर देख कर अच्छी खासी पैसे उठा सकते हैं। यस गाइस,
तो आप ये टोटली आपके ऊपर है कि कॉलेज आपको पसंद आया, स्ट्रीम आपको पसंद आई, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और अगर आपको एडमिशन पसंद आता है तो उसमें लीजिए, फीस कितना है वो भी देख लीजिए, या फिर आप एक ईयर ड्रॉप कर सकते हैं। मॉपअप राउंड की जो चांसेस हैं, सो गाइज आई वुड से 50-50 है, लेस चांसेस। अगर आप जादवपुर की मॉपअप राउंड कह रहे हैं तो येस गाइज जादवपुर की मॉपअप राउंड होगी 90% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और फूड प्रोडक्शंस एंड किसी लाइक पेंटिंग इंजीनियरिंग में सीट्स फाकर रह जाएंगी जिसमें आपको ले सकते हैं। तो चलिए गाइज इस वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे मुझे बहुत खुशी होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और अगर